Assalamu alaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 11 of General Science. We are going to discuss unit number 12. Open the page number 193, Simple Machines. Okay dear students, अगर हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर या अपने घरों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घरों में नोट करो तो हम डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें हम कार्स की बात करें, हीटर्स की बात करें, ग्राइंडर की बात करें या माइक्रोवेव ओवन की बात करें, ऑल ऑफ दीज आर एग्ज़ाम्पल ऑफ मशीन्स फ्राम एवरीडे लाइफ। अब अगर मशीन के हवाले से बात करें कि मशीन का हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो क्या रोल है, तो आप आसानी से ये बात कंसिडर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मशीन जो है वो हमारे काम को आसान और तेज़ बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले टाइम के अंदर लोग जो हैं वो हाथों से कपड़े धोते थे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में लोग जो हैं मशीनें इस्तेमाल करते हैं, इवन दो के ऑटोमेटिक मशीन जो है न्यू जनरेशन के लिए यूज़ की जा रही है, तो जितनी ज़्यादा मशीन के अंदर डेवलपमेंट की जाती है या उसकी वर्किंग की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है, उतना ही वो काम जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मशीन की अगर आप डेफिनेशन करेंगे, अ मशीन इज़ अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क ईजी, कि मशीन ऐसे एक आले को कहा जाता है जो हमारे काम को आसान कर देता है। अब डेली लाइफ में अगर आप बात करें, हेयर यू कैन सी द पिक्चर, अ मशीन विच इज़ यूज इन एवरीडे लाइफ, जिसको आप लॉन मोवर कहते हो, तो ये ग्रास की कटिंग करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अगर हाथों से कट करें तो आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सेम एज इट विल मेक आवर वर्क ईजियर एंड ईजियर। अब क्या सारी मशीनें जो हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है, मशीन की डिफरेंट टाइप्स हैं ना, कुछ मशीन जो है वो सिंपल है, कुछ कम्प्लेक्स है, कुछ और ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। अगर आप जस्ट एक लुक जो है वो चेक करें, पॉइंट ऑफ व्यू अपने थिंकिंग में सोचें कि अगर आप किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो वहाँ की मशीन जो हैं वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है, वो एक टफ़ यानी कि डिफरेंट तरीके से काम कर रही होती है। तो जो मशीनों के हवाले से हम बात करें तो ये एक तरह की मशीन नहीं होती, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशीन। उनमें कुछ मशीन जो हैं वो सिंपल हैं, कुछ जो हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा किसी मशीन की कम्प्लिकेशन को बढ़ा दिया जाए, उतनी ही उसकी वर्किंग जो है वो टफ़ है। लेकिन इन सब का काम क्या है, इन सब का काम एक ही है कि हमारी ज़िंदगी को ईजियर एंड ईजियर बनाना, ठीक है। व्हाई डू वी नीड मशीन्स, अब अगर आप लोग खुद सोचें तो मशीन जो है वो हमारी लाइफ के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले पहली बात हमने एक की कि मशीन जो है वो हमारे काम को आसान और ईजियर बना रहा है, ठीक है। अब लेटर ऑन मशीन हेल्प्स अस इन फॉलोइंग फोर वेज, मशीन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू डू सम वर्क, मशीन उस फोर्स को कम कर देते हैं जो किसी भी काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान अगर मशीन के बगैर काम कर रहा है तो उसको अपनी एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, लेकिन अगर वो वही काम किसी एक सिंपल मशीन के ज़रिए कर रहा है तो उसका वो काम जो है वो आसान हो जाता है। हेयर यू कैन सी स्क्रू जैक, ये हैवी लोड को उठाने के लिए, मतलब ये यूज़ होता है वन साइड ऑफ द कार टू रिप्लेस द फ्लैट टायर, अगर उसको टायर को रिप्लेस करना है तो उसके लिए जो है वो स्क्रू जैक को इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर एक साइड से आप कार को पकड़ के रखेंगे तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, थकन वाला काम है। सेम एज़ अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन कैन ईजिली लिफ्ट अ हैवी लोड, आसानी से हैवी लोड को उठा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ कार मशीन रिप्लेसिंग अ फ्लैट टायर, व्हाट डज ही डू, हाउ डज ही मैनेज टू लिफ्ट द कार, कि वो कार को किस तरह मैनेज करता है, यानी कार का एक टायर को रिप्लेस कैसे किया जाता है।
ही मेक्स यूज ऑफ अ स्क्रू जैक टू लिफ्ट वन साइड ऑफ द कार टू रिप्लेस द फ्लैट टायर दस ही इज़ यूजिंग अ स्मॉल फोर्स टू लिफ्ट अ हैवी लोड हैंडल ऑफ अ हैंड ड्राइवन वाटर पम्प इज अनदर एग्जाम्पल वेयर फोर्स इज मल्टीप्लाइड टू ड्रा वाटर कैन यू थिंक ऑफ टू मोर एग्जाम्पल ठीक है आप लोग अगर देखिएगा कि डेली लाइफ के अंदर वो कौन सी सिंपल मशीन्स हैं जिनको उठाने या काम करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करके किसी भी पर्सन की फोर्स को कम किया जा सकता है सेकेंड वन टू अप्लाई फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन डायरेक्शन कहते हैं किसी भी साइड पे या किसी भी सिम में मूव करने के लिए कन्वीनियंट आसानी से तो फोर्स को मशीन की फोर्स को इसलिए भी लगाया जाता है ताकि उसकी डायरेक्शन को आसानी से चेंज किया जा सके हेयर यू कैन सी इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अप्लाई अ फोर्स वेयर इट इज़ नीडिड हमेशा ऐसा नहीं होता कि फोर्स वहाँ पे अप्लाई की जाए जहाँ इसकी ज़रूरत है मशीन अलाउ अस टू अप्लाई द फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट मशीन क्या है सिर्फ उसी जगह पर पॉइंट को फोकस कर दिया जहाँ पे उसको फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है यू माइट हैव सीन योर मदर्स स्विमिंग क्लॉथ फॉर यू वो आपके लिए कपड़े सिलाई करती हैं वेयर इज़ शी अप्लाइंग फोर्स टू रन अ स्विमिंग मशीन वो कहाँ फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं व्हील को घुमाने के लिए ना शी अप्लाइज फोर्स ऑन द व्हील इट इज़ देन ट्रांसमिटेड टू द पॉइंट वेयर इट इज़ एक्चुअली नीडिड फॉर द स्विमिंग पर्पज तो उसके बाद वो फोर्स आगे जस्ट व्हील को घुमा रही है और आगे क्योंकि मशीन चल रही होती है वो सिलाई स्टिचिंग कर रही है ना तो उसकी सारी की सारी फोर्स जो है उसने एक मदर जो है वो व्हील पे अप्लाई करती है लेकिन लेटर ऑन उसकी फोर्स आगे जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है और मशीन उस काम को आसान कर देता है होप हाउ डू यू रेज योर स्कूल फ्लैग ऑन स्कूल फंक्शंस रोप को खींचा जाता है ना द फ्लैग इज रेज अप इजीली बाय पुलिंग द रोप डाउन बाय यूजिंग अ पुली ठीक है तो सेम एज इसमें जहाँ पे फोर्स अप्लाई की गई वो फोर्स जो है वो ऊपर मूव करती है जिसकी वजह से एक फ्लैग जो है वो अपवर्ड ऊपर वाली साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देता है मशीन्स हेल्प टू परफॉर्म वर्क इन लेसर टाइम मशीन जो है वो किसी भी पर्सन को या हमें हमारे काम को कम टाइम में हेल्प आउट करता है फॉर एग्ज़ाम्पल कार या बाइसिकल की बात करें तो वो भी एक कार तो नहीं खैर लेकिन जो बाइसिकल है वो एक सिंपल मशीन है अगर आप स्कूल से लेट हो रहे हो तो आप अपने मोटरसाइकिल या बाइसिकल की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं इस तरह आप कम टाइम के अंदर जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं इस तरह मशीन जो हैं वो आपके टाइम को कम करके वो टाइम कम टाइम में मुकम्मल कर देता है नेक्स्ट वन इज़ मशीन इनेबल अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो उसके लिए भी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल अ बकेट ऑफ वाटर टाइड टू अ रोप अपवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वेल हाउएवर टू पुल द रोप डाउन इज़ ईजियर विद द हेल्प ऑफ द सिंपल पुली इट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ द मशीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स कैन बी रिवर्स्ड ऊपर मूव करना यानी ये पुली जो है ये भी एक सिंपल मशीन है तो अगर डायरेक्ट जो है आप एक बकेट को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल काम है लेकिन पुली जो है ये आपके काम को आसान करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करके फोर्स सेम एज वाटर को नीचे से ऊपर ले आती है हाउ डज अ मशीन वर्क फॉर अस मशीन जो है वो हमारे लिए किस तरह काम करती है क्या मशीन खुद ब खुद काम कर रही है क्या एक बाइसिकल कार खुद ब खुद चलती है या एक स्विमिंग मशीन खुद ब खुद चलती है नहीं किसी भी मशीन को रन करवाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है एक्सटर्नल एजेंट ऐसा एजेंट है जो किसी भी काम को करने के लिए बाहर से प्रोवाइड किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैक्ट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ पर मशीन चल रही है ना तो वहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इलेक्ट्रिकसिटी है सेम एज़ अगर बाइसिकल चला रहे हैं तो आप खुद फोर्स पैडल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से बाइसिकल मूव कर रही है सेम एज़ हेयर यू कैन सी डिफरेंट एग्जांपल क्लाहमर जो है वो अगर कील को बाहर निकालने के लिए यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे एक पर्सन जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो मशीन जो है वो खुद ब खुद काम नहीं करते इनको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है
तो इस बात से हमें इस अंदाज़ा हुआ कि कोई भी काम जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के बगैर नहीं हो सकता। अब वो एक्सटर्नल एजेंट किसी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकता है या किसी भी पर्सन की अप्लाई की गई फोर्स हो सकती है, और मशीन खुद ब खुद काम नहीं करती। नाउ कम टू द पेज नंबर 206। हेयर द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ मशीन एंड नेम 5 सिंपल मशीन्स। आप लोगों को क्लास में इसकी मार्किंग जो है वो करवाई गई थी, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करना है और इनको लर्न भी करना है बाय हार्ट। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।